में 45 गायों की मौत, बड़ा खुलासा। कमाई कम होने पर गुड़ में सल्फास मिलाकर खिलाया। चार आरोपी गिरफ्तार, हिंदू से ईसाई बने। हरियाणा के करनाल की फूसगढ़ गौशाला में 45 गायों की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। इन गायों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था। गायों के कम मरने की वजह से, धंधा मंदा होने की वजह से ठेकेदार के कारिंदों ने यह वारदात की। इसके लिए शराब पीकर पूरी साजिश रची गई। उन्हें एक गाय की खाल चर्बी बेचकर 8 से 10 हजार की कमाई होती थी। आरोपी पहले भी ऐसा कर चुके थे, लेकिन तब वह 4-5 गायों को जहर देते थे। इस घटना के दिन ज्यादा गायों को जहर देकर मारने से पूरा खेल उजागर होने के बाद आरोपियों का पूरा गिरोह पकड़ा गया। यह भी पता चला कि इन आरोपियों ने कई साल पहले हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया था। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरी वारदात का मास्टरमाइंड ठेकेदार अभी फरार है। 27 जनवरी की सुबह सूचना आई कि फूसगढ़ गौशाला में गायों की मौत हो गई है। रात 2 बजे से गायों की मौत शुरू हो गई। सुबह होने तक 45 गायें मर चुकी थी। इसके अलावा 10 गायें बीमार भी थी, जिससे पूरा मामला संदिग्ध बन गया। इसे देख पूरा प्रशासन हरकत में आया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।